Hello 10th class, this is Tamanna, your SST teacher. We are continuing with the history, chapter number 1st, that is Rise of Nationalism in Europe. Okay, we started this chapter yesterday. Yesterday we have discussed about the painting that Frederick Soryu created. Okay, Frederick Soryu ने painting बनाई थी 1848 में, जिसमें उन्होंने concept दिया था nation states का. कल की वीडियो में हमने बात भी की एंड आई होप दैट आपको नेशन स्टेट्स और मॉडर्न स्टेट के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आया. एक भावना का फर्क है बस. नेशन स्टेट में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म होगी, मॉडर्न स्टेट में जस्ट एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा विद इन आर टेरिटरी, बट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, द फीलिंग ऑफ शेयर्ड कल्चर वो नहीं होगा. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न स्टेट एंड द नेशन स्टेट. अब मैं आपसे कल की क्लास का रिविजन में पूछ लूं कि फर्स्ट स्टेट्स कौन से थे जो कि मार्च कर रहे थे टुवर्ड्स बीइंग अ नेशन, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे निकल गए थे, वो फर्स्ट पोजिशन पे कौन से टू नेशंस थे? यूएस एंड स्विट्जरलैंड. याद आ गया, US and Switzerland were the first two countries which were marching towards being a nation state. Statue of Liberty के एक हाथ में क्या था? Torch of Enlightenment. एक हाथ में क्या था? Charters of Rights of Man. Charter of Rights of Man क्या है? एक book जिसमें fundamental rights लिखे हुए हैं कि देश के नागरिक होने के नाते हर एक citizen के कुछ particular rights होते हैं. Those are fundamental rights. We are also having fundamental rights written in our constitution. So, वैसे ही charter of rights of man था, ठीक है? Statue of Liberty के एक हाथ में, torch of enlightenment. Enlightenment मतलब ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है what they need in their life. Second, charters of rights of man. US and Switzerland first position पे, उनको follow कौन से कर रहे थे? France, Germany, Austria, Lombardy, Poland, Hungary, Russia. All these were behind. Okay. आप एक बार यूरोप के मैप में, आपकी बुक में भी एक मैप दिया गया है, बट आई विल सजेस्ट दैट यू गो फॉर अ मैप, पॉलिटिकल मैप. सर्च ऑन गूगल पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप और उस मैप को आप देखो और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यूरोप में सारी कंट्रीज कहाँ पे लोकेटेड हैं, ये जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं. ओके, टू सिलिसिस, ऑस्ट्रिया, लंबार्डी, पोलैंड, हंगरी, वेयर आर दे सिचुएटेड. यू शुड हैव सम बेसिक आइडिया, क्योंकि ये मैपिंग में पूछा जाएगा. क्लास में ये मैपिंग आपको मैं कराऊंगी, लेकिन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप लोग तब तक के लिए प्लीज एक बार पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप गूगल पे सर्च करके जरूर देखें, ठीक है? याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं, जस्ट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, हंगरी यहाँ पे पड़ता है, ऑस्ट्रिया यहाँ पे पड़ता है, फ्रांस, अच्छा ऑस्ट्रिया फ्रांस के पास है इसलिए ये लोग आर्मीज इकट्ठा कर रहे थे. यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्लियर? ठीक है, उस पेंटिंग के बारे में हमने पढ़ लिया. अब हम जो बेसिक चीज पढ़ेंगे आज, सेकंड टॉपिक जो इस चैप्टर में है, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ अ नेशन. हमने पढ़ा था कि यूरोप में डेस्पोटिज्म बहुत ज्यादा था. डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है? जब स्ट्रिक्टली कोई आपको रूल कर रहा है, आपको सप्रेस कर रहा है. अ स्ट्रिक्ट रिप्रेसिव रूल ऑफ समवन इज डेस्पोटिज्म. ओके, एक तो हम आपके साथ प्यार से रहें, आप क्या पढ़ना चाहते हो, कैसे पढ़ना चाहते हो, इनोवेटिव तरीके से पढ़ें, एक तो वो रूल हो. एक आपको स्ट्रिक्टली आते ही मारना शुरू किया जाए, शाम तक मार मार के आपसे काम कराया जाए, स्ट्रिक्ट रिप्रेसिव रूल. कौन सा डेस्पोटिज्म हुआ? स्ट्रिक्ट. So a strict repressive rule on a country is known as despotism. पूरे यूरोप में despotism था. Different colonies थी, different kingdoms थे जो राजा अपनी प्रजा को रूल कर रहे थे और कोई भी citizens को पावर देने में खुश नहीं था. हर कोई बहुत ही repressive militarized rule कर रहा था. तो फ्रांस जो कंट्री थी, फ्रांस ने ये कहा था कि हम वो नेशन है जिसने यूरोप को लाइट दी है डेस्पोटिज्म से फ्री होने की, क्योंकि सबसे पहला और सबसे सक्सेसफुल फ्रीडम स्ट्रगल रेवोल्यूशन फ्रांस का ही हो रहा था. फ्रांस में जो रेवोल्यूशन था,
हमने सुबह डाउट क्लास में भी बात की थी, इट स्टार्टेड फ्रॉम 1774, वहीं से स्टार्ट हो, रेवोल्यूशन की मेन डेट तो 1789 ही रहेगी, लेकिन आइडिया ऑफ अ नेशन वहीं से स्टार्ट हो गया था। जब लुईस 16 राजा बने और उन्होंने आके अपनी तिजोरी देखी, इट वॉज जीरो। फंड कहां से लाएंगे? उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प भी कर दी और डेब्ट बढ़ गया। फर्स्ट और सेकंड स्टेट, यानी जो फर्स्ट और सेकंड लेवल थे फ्रांस की जो सोसाइटी थी इन द 18th सेंचुरी, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। क्लर्जी सबसे ऊपर आते थे, क्लर्जी होते थे जो चर्च के मेन लोग थे, दैट वर द क्लर्जीज। सेकंड स्टेट था नोबिलिटी, नोबल पर्संस जो मेन ऑफिसर्स की पोजीशन होल्ड कर रहे थे। थर्ड वर द पीजेंट्स, आर्टिसंस, लॉयर्स एटसेट्रा, सब लोग इसी में आ जाते थे थर्ड स्टेट में, बाकी के बचे हुए। ठीक है, तो टैक्स कौन देता था? सिर्फ थर्ड स्टेट। फर्स्ट और सेकंड स्टेट टैक्सेस नहीं देते थे। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस। व्हाट डज दिस मीन? दैट दे वर नॉट फोर्स्ड और दे वर नॉट आस्क्ड टू पे द टैक्स। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट फ्यूडल प्रिविलेजेस भी इंजॉय करते थे। व्हाट वर फ्यूडल प्रिविलेजेस? मैं वर्ड आपको बता रही हूँ, लिख के FEUDAL, प्रिविलेजेस। आपको बुक में ये वर्ड देखने को बार बार मिलेगा हिस्ट्री में। व्हाट इज फ्यूडल प्रिविलेजेस? अगर किसान उनके खेत में काम कर रहे हैं, अब पीजेंट्स जो थे थर्ड स्टेट्स, दे वर नॉट हैविंग इनफ लैंड, इनके पास खुद की जमीनें नहीं होती थी, ऑल द लैंड वॉज कंकर्ड बाय द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। तो अब ये लोग कहाँ खेती करते थे? इनके लैंड पे, थोड़े दिन के लिए इनसे लैंड लेके इनके यहाँ पे काम करते थे। उसके लिए इनको एक कर्ज चुकाना पड़ेगा। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट बोल रहे थे कि हम आपको लैंड दे रहे हैं, तो इसके बदले आपको एक कर्ज चुकाना पड़ेगा। वो कर्ज क्या होगा? अगर हम कहेंगे आर्मी में जाओ तो आर्मी में जाना पड़ेगा, हम कहेंगे रोड बनाने में हेल्प करो तो रोड भी बनानी पड़ेगी, हम कहेंगे हमारे घर में काम करो तो वो भी करना पड़ेगा। अ फीलिंग ऑफ डूइंग वर्क इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, एहसानमंद होने की फीलिंग, दैट इज फ्यूडल प्रिविलेजेस। फ्यूडल प्रिविलेजेस कौन इंजॉय कर रहे थे? फर्स्ट और सेकंड स्टेट। इनको अधिकार था कि आप थर्ड स्टेट मेंबर्स से काम करवा सकते हैं। इज दिस क्लियर? अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि फ्रांस में बेसिकली हुआ क्या था, व्हाट वाज द होल रेवोल्यूशन अबाउट, कहां से और क्या चेंजेस आए। तो 5 सेकंड्स के लिए आप प्लीज इन पॉइंट्स को पढ़िए। आई वॉन्ट यू टू रीड ऑल दीज पॉइंट्स। आप जब इन्हें पढ़ लेंगे तो एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करेंगे, और जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, उसको नोटबुक में लिखते चलिए। वी विल डिस्कस दैट पॉइंट, ओके? प्लीज रीड ऑल द पॉइंट्स। आई होप आपने अब कुछ पढ़ा है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, पहले फ्रांस एक स्टोरी की तरह समझना, सब कुछ भूल लो, बुक वगैरह सब भूल। पहले फ्रांस एक मोनार्कियल स्टेट था। मोनार्की क्या होती है? जब किसी देश पे, किसी राज्य पे एक राजा का कब्जा हो, दैट किंग और क्वीन इज रूलिंग अ कंट्री, दैट कंट्री इज नोन एज अ मोनार्कियल कंट्री। पहले फ्रांस एक मोनार्कियल कंट्री थी, ये सबसे शुरू की बात है। और राजा कौन थे? लुईस 16। कब बने? 1774 में। बॉर्बोन डायनेस्टी के रूलर थे। ठीक है, डायनेस्टीज के नाम होते थे पहले। आप इंडिया का अगर एग्जांपल लगाओ तो बिंदुसार, ठीक है, उसके बाद अशोक सम्राट, दे बिलोंग टू अ डायनेस्टी ना। तो ऐसे ही उस टाइम के वहां इंटरनेशनल रूलर्स हैं।
अब क्या हो रहा था कि थर्ड स्टेट्स को बहुत ज्यादा सप्रेस किया जा रहा था, उनसे और ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था, उन्हें फोर्स किया जा रहा था टू गेट इनटू द आर्मी, फोर्स किया जा रहा था फॉर मोर पीजेंट्री। और 1789 में ही बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी फ्रांस में, तो उसकी वजह से बेसिक ग्रेन्स अवेलेबल नहीं थे लोगों को, खाने के लिए बेसिक फूड लाइवलीहुड के अवेलेबल नहीं था, इसलिए फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। व्हाई फ्रेंच रेवोल्यूशन? बिकॉज दे वांटेड लिबर्टी। एक राजा के रूल के अंडर हम लोग इतना सप्रेस हो रहे हैं, इतना सब कुछ फेस कर रहे हैं, वी आर गेटिंग टॉर्चर्ड एवरी डे एंड नाइट एंड वी आर नॉट गेटिंग द बेसिक लाइवलीहुड फूड, तो ऐसा रूल हमें नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक बॉडी थी स्टेट्स जनरल, आपने पढ़ा होगा नाइन्थ में, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर भी आपको कोई डाउट आया पूछ सकते हो। स्टेट्स जनरल एक बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट्स के मेंबर होते थे, और राजा अपने आप टैक्स इंक्रीज नहीं कर सकता था, द किंग अलोन के नॉट इंक्रीज टैक्स। सो वॉट ही डिड, इन तीनों की मीटिंग, स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई जाती थी, और अगर ये तीनों वोट कर देते थे फेवर में तब ही जाके टैक्स इंक्रीज होता था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी कि इनके जो मेंबर थे वो इक्वल थे इनके मेंबर के, अगर ये लोग हाँ कर देते थे तो इनके वोट की जरूरत ही नहीं थी, जैसे वन वोट इनका था, वन वोट इनका था, वन इनका, टू वोट्स आ गए तो थर्ड स्टेट के वोट को कोई सुनेगा क्या? नहीं। तो स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई गई 1789 में, कहा गया टैक्स इंक्रीज करना है, देश के पास पैसा नहीं है। तो थर्ड स्टेट ने एक डिमांड रखी थी कि वन वोट जो है ना, इसकी जगह वन मेंबर का वन वोट रख दो, उससे क्या होगा कि 300 वोट्स यहाँ आ जाएंगे, 300 यहाँ, तो फिर हम अपने लिए लड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, यहाँ तो कोई बेसिक मेजोरिटी रूल चल रहा है, ये दोनों अपने आराम से ऐश कर रहे हैं, हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। सो इन द स्टेट्स जनरल मीटिंग ऑफ 1789 ये डिक्लेयर हुआ था कि हमें वन मेंबर इज इक्वल्स टू वन वोट दे दो, किंग ने ये डिमांड एक्सेप्ट नहीं की। तब थर्ड स्टेट ने कहा था कि हम हमारा संविधान लिखेंगे, वी विल राइट आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, वी डिड नॉट एक्सेप्ट यू एज द किंग, हम अब आपको राजा नहीं मानते, आपकी पावर्स पे हम रोक लगाएंगे और अपना संविधान लिखेंगे जिसमें हम सिटीजंस के लिए बेसिक राइट्स होंगे। वो ग्राउंड ऑफ वर्सलीज में जुड़े पूरे थर्ड स्टेट्स के मेंबर, खुद को उन्होंने नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। अब ये इतना ज्यादा फोर्सफुली काम कर रहे थे कि राजा ने मान लिया। 1791 में राजा ने कहा ठीक है, क्योंकि बेस्टाइल इन्होंने 1789 में तोड़ दिया है ना, बेस्टाइल जेल तोड़ दिया था। 1791 में किंग ने कहा ओके फाइन, आई विल एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहेगा फ्रांस देश। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब रूल तो राजा का ही रहेगा लेकिन उसकी पावर्स पे लिमिटेशंस रहेंगी, और वो लिमिटेशंस कहाँ लिखी गई होंगी? संविधान में। एब्सोल्यूट पावर नहीं होगी किंग के पास कि जो मर्जी में आए वो करो, ये पावर नहीं रहेगी। किंग रहेगा, किंग रूल करेगा, बट उसकी पावर्स लिमिटेड होंगी, और वो पावर्स कहाँ लिखी जाएंगी? संविधान में। दिस इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 1789 में फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। फिर भी राजा थे, बाज नहीं आए, प्रजा के बारे में तो सोचना चाहते ही नहीं थे, तो उन्होंने उस टाइम पे क्या करा, ऑस्ट्रिया के साथ सीक्रेट नेगोशिएशंस करने लग गए थे, ठीक है, सीक्रेट बातें करने लग गए थे कि हमें, हम मिलके काम करेंगे, थर्ड स्टेट को सप्रेस कर देंगे। ये बात थर्ड स्टेट को पता चल गई नेशनल असेंबली को, तो उन्होंने कहा ये किंग तो हमें चाहिए ही नहीं है, ठीक है। फिर फॉर्म हुए जैकोबिन क्लब्स। जैकोबिन क्लब्स क्यों नाम था उनका? एक चर्च का नाम था जैकोबिन, तो उन्होंने उसके नाम पे अपने क्लब का नाम रखा। जैकोबिन क्लब वॉज अ पॉलिटिकल क्लब जहां पे ये थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स जुड़ के मीटिंग बिठाते थे, डिस्कस करते थे हाउ वी विल फाइट फॉर आवर फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। जैकोबिन क्लब वॉज अ पॉलिटिकल क्लब वेयर ऑल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट गैदर्ड टूगेदर टू डिस्कस देयर व्यूज एंड देयर पॉलिसीज फॉर फ्रीडम स्ट्रगल, क्लियर।
डिस्कस कर रहे थे, जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स एजुकेटेड मिडिल क्लास भी बने, स्टूडेंट्स भी थे, विमेन वर नॉट पार्ट ऑफ इट. ओके, अब जैकोबिन क्लब की जो हेड थे ना, लीडर थे, उनका नाम था मैक्स मिलियन रॉबेस्पियर. अच्छे से याद रखना बेटा, एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है ये. हु वॉज द हेड ऑफ द जैकोबिन क्लब? मैक्स मिलियन रॉबेस्पियर. मैक्स मिलियन रॉबेस्पियर ने क्या किया, अपने आप को बोला ठीक है रिपब्लिक कंट्री बना देते हैं अब फ्रांस को. लीडर जो राजा है वो तो बिल्कुल ही निकम्मा है, उसको हमने कहा था तुम रूल करते रहो, हम तुम्हारी पावर्स लिमिट करेंगे, पर अब वो अपनी मान नहीं रहा. तो उन्होंने क्या किया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को हेड बना दिया. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वाज चोजन एज द रिपब्लिक हेड ऑफ फ्रांस. मैंने रिपब्लिक आपको क्या बताया था कि जब किसी देश के जो रूलर है, हेड है, वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा तो उसे क्या बोला जाता है, रिपब्लिक कंट्री. तो इलेक्ट करके किसको बना दिया उन्होंने, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को. तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कब बना फ्रांस, 1791 में. रिपब्लिक कब बना, 1792 में. ठीक है, वो काम भी नहीं आया. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने भी अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी स्टार्ट कर दी, वो भी फेल हो गया. 93 से 94 तक उनका रेन ऑफ टेरर कहलाता था, डरते थे लोग. ठीक है, बहुत ज्यादा सप्रेसिव रूल था, तो लोगों को वो भी रास नहीं आया, उनको भी हटा दिया. डायरेक्टरी का रूल आया था जिसमें 5 मेंबर्स होते थे अगर आपको ध्यान हो तो, वो भी हटा दिया गया, वो भी फेल हो गया, क्योंकि डायरेक्टरी को जो चूज कर रही थी लेजिस्लेटिव असेंबली, वो चाहती थी डायरेक्टरी हमारे तरीके से काम करे, डायरेक्टरी उनके तरीके से काम नहीं करना चाहती थी. तो ये कन्फ्लिक्ट था, तो इस वजह से डायरेक्टरी भी फेल हो गई. जब हर टाइप का रूल फेल हो गया फ्रांस में, तो जगह बन गई थी, वैक्यूम हो गया था, कोई रूल नहीं कर पा रहा था फ्रांस को अच्छे से. तब आते हैं हमारे शहंशाह शेर, नेपोलियन बोनापार्टे. ही वॉज अ मिलिट्री मैन, अ मिलिट्री रूलर. नेपोलियन बोनापार्टे ने अपनी वॉर स्टार्ट की और उन्होंने फ्रांस पे कब्जा कर लिया था. ही सॉ हिमसेल्फ एज द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, कि यूरोप को अब मैं ठीक करूंगा, यूरोप कॉन्टिनेंट में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाऊंगा, मैं यूरोप को एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट बनाऊंगा. तो क्या क्या चेंजेस हुए थे जिनकी वजह से अब फ्रांस ये जो लड़ रहा था अपने नेशनल स्ट्रगल के लिए, अगर इन लोगों में एक नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं होती अपने देश के लिए, एक होने की भावना नहीं होती, तो क्या ये रेवोल्यूशन लड़ सकते थे? नहीं. वही हमें पढ़ना है कि नेशनलिज्म की फीलिंग आई कहां से, कैसे आती है ये भावना, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ऐसी क्या चीजें हुई फ्रांस में जिनकी वजह से इन सब लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई. नाउ रीड ऑल दीज 5 पॉइंट्स क्विकली, वी विल डिस्कस दीज. पहले जो फ्रांस कंट्री थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, मेन रूल इन दोनों का चल रहा था, इन्हें नेशनलिज्म की फीलिंग आने रही थी. फिर कॉन्सेप्ट आया ले पैट्री. व्हाट इज ला पैट्री? फादर लैंड. जैसे हम भारत माता कहते हैं, हम एक यूनाइटेड होने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, भारत माता, भारत माता के वीर हैं हम, भारत माता के नागरिक हैं. ऐसे ही ला पैट्री यानी फादर लैंड, फ्रांस इज आर फादर लैंड, दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ ला पैट्री. अब अगर हम एक, जैसे कि अगर हम बोलते हैं हम हरियाणा के वीर हैं, तो क्या नेशनलिज्म की फीलिंग आती है? नहीं. भारत माता की जय, सब में नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है. ऐसे ही जब ला पैट्री वर्ड यूज हुआ, फादर लैंड, दिस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म. ले सिटोयन, पहले वहां पे आदमी जो होते थे उनको मैडम का, औरत जो होती थी उनको मैडम कहा जाता था और सर को मॉन्स्योर कहा जाता था. मेल्स को मॉन्स्योर और उनको मैडम. सिटीजन वाली फीलिंग नहीं थी, कॉमन फीलिंग नहीं थी, थर्ड स्टेट्स को तो कोई वैल्यू नहीं थी, कोई रिस्पेक्ट भी नहीं थी. फिर कॉन्सेप्ट आया ले सिटोयन, यानी कि कोई मैडम कोई सर नहीं है, सब सिटीजन है. दिस क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ
इक्वालिटी अमंग ऑल, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ. जब सबका एक एक जन्म भूमि है, एक रहने की भूमि है, सबका एक स्टेटस है, तो इक्वालिटी आएगी. यस, इक्वालिटी आएगी तो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आएगी. यस. सेकंड, उन्होंने सबने अपने लिए कॉमन फ्लैग अडॉप्ट कर लिया था, अ ट्राई कलर फ्लैग. ट्राई कलर मीन्स थ्री कलर्स फ्लैग. व्हाट वर द थ्री कलर्स इन द फ्रांस फ्लैग? ब्लू, रेड एंड व्हाइट. आई एम अगेन रिपीटिंग, द ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रांस हैड ब्लू, रेड एंड व्हाइट कलर. द ट्राई कलर फ्लैग वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल फ्लैग. अब अगर हर एक स्टेट का भारत में अलग झंडा होता तो क्या नेशनलिज्म की फीलिंग होती? नहीं. बट व्हेन वी सी द इंडियाज फ्लैग दीस डेज, वी गेट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. देन कम्स स्टेट जनरल. हमने जो बात की थी इन तीनों स्टेट्स की जो बॉडी होती थी, स्टेट्स जनरल इलेक्टेड थी अब बाय एक्टिव सिटीजंस. ठीक है, वोट करके नेशनल असेंबली चूज होती थी. अपनी मर्जी से फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स पावर्स नहीं एंजॉय कर रहे थे. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज. कस्टम ड्यूटीज क्या होती है? कोई भी मटेरियल अगर देश में आ रहा है या देश से जा रहा है तो उन पर टैक्स लगता है, दैट इज नोन एज कस्टम ड्यूटीज. अब मान लो पूरे ही फ्रांस में यहां से अगर कोई मटेरियल यहां आ रहा है और उस पर यहां पे भी कस्टम टैक्स लग गया, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, तो क्या जो मर्चेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो अपना ट्रेड अच्छे से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. इतना तो वो टैक्स दे देते हैं, इतने बैरियर्स हैं उनके रास्ते में. अगर हम इन इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को हटा दें कि सीधे सीधे यहां से आप यहां आ जाओ, नो प्रॉब्लम, सो क्या ट्रेड इजीली हो सकता है? यस. सो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड. अबॉलिश करना मतलब हटा देना. कस्टम ड्यूटीज अब नहीं लग रही थी. विदाउट कस्टम ड्यूटीज ट्रेड वर पॉसिबल एंड द न्यू पीजेंट्स, द न्यू आर्टिसंस, द न्यू बिजनेसमैन गॉट अ न्यू फाउंड फ्रीडम. उन्हें एक नई आजादी मिल गई थी. अब वो आराम से खुल के ट्रेड कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे. ओके. एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड. ये सब नेपोलियन ने किया था. नेपोलियन ने किया था ये थ्रू 1804 सिविल कोड. 1804 में नेपोलियन एक सिविल कोड लेके आए थे. ये सिविल कोड एक कोड नहीं था, एक लेटर था जिसमें ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे. सिविल कोड उसका नाम है बस. नेपोलियन एक कोड बोल लो चाहे सिविल कोड बोल लो. अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हेन वाज सिविल कोड फॉर्मड, व्हेन वाज नेपोलियन एक कोड फॉर्म, द ईयर वॉज 1804. आप इसका मतलब समझो. वेट्स एंड मेजर्स. एक जगह पे अगर एक किलो की वैल्यू 900 ग्राम्स है, किसी जगह पे 700 ग्राम्स है, किसी जगह पे 988 ग्राम्स है, किसी जगह पे 1000 ग्राम्स, ये हम एक वैल्यू, एक केजी की वैल्यू बता रही हूँ मैं आपको. फोर डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट वैल्यूज हैं. तो क्या ये यूनिफॉर्म है? ये सिस्टम यूनिफॉर्म क्या होता है? सेम सिस्टम मूविंग इन अ सिंगल लाइन. तो अगर डिफरेंट वेट्स की डिफरेंट वैल्यू है तो क्या ये सिस्टम यूनिफॉर्म है? नहीं. तो इससे क्या प्रॉब्लम आती थी बिजनेसमैन को? अब मान लो वो यहां से एक केजी गोल्ड लेके चले, एक केजी या फिर एक मीटर कपड़ा लेके चले, उसकी वैल्यू यहां पे आके 1.5 मीटर हो गई. अब उसको उसके हिसाब से टैक्स देना है. यहां आने के बाद 0.5 मीटर हो गई. सो ये भी तो बैरियर प्रूफ हो रहा है ट्रेड में. क्या ऐसे ट्रेड हो सकता है? नहीं. आपने अटेली से कपड़ा खरीदा, उसका मेजरमेंट था 1 मीटर, कुंड में जाने के बाद वो बोल रहे नहीं है तो 0.5 मीटर है. ठीक है, फिर आप रेवाड़ी मूव कर रहे हो तो वो कह रहे हैं तो 1.5 मीटर है. क्या कोई बैलेंस सिस्टम हो पाएगा? नहीं. क्या एडमिनिस्ट्रेशन चल पाएगी? ट्रेड हो पाएगा? नहीं. सो इस वजह से नेपोलियन ने क्या किया था? यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर, कि एक वेट की एक ही वैल्यू होगी हर जगह. और ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ फ्रांस में किया था नेपोलियन ने. यूरोप में जिस जिस पार्ट पे उसने कब्जा कर लिया था अदर देन फ्रांस, वहां पे भी उन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स कर दिया था. फ्रांस में लोगों ने अपनी लो
लोकल लैंग्वेजेस को छोड़ दिया था, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस थी जैसे इंडिया में है तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, हरियाणवी, राजस्थानी, मारवाड़ी, एनीथिंग। ये सारी रीजनल लैंग्वेजेस को इग्नोर करके फ्रांस ने एक कॉमन लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली थी, दैट वॉज फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज। ओके, एक कॉमन लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली थी पूरे फ्रांस नेशन ने, दैट वॉज फ्रेंच लैंग्वेज। दिस ऑल क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। पीजेंट्स, आर्टिसंस, बिजनेसमैन भी खुश हैं, कोई ट्रेड में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एक बराबर लॉ हो गया है सबके लिए, सबके लिए इक्वल रिस्पेक्ट है, राइट टू वोट मिल रहा है, फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। दिस क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। पहले जो और देश थे, इटली, होलैंड, स्विट्जरलैंड, 1790s में यहाँ पे भी फ्रेंच आर्मीज आ गई थी, और इन देशों में भी फ्रांस को देख के बहुत मोटिवेशन थी। वहां पे भी एजुकेटेड लोग और मिडिल क्लास लोग और स्टूडेंट्स जैकोबिन क्लब फॉर्म करने लगे थे फ्रांस की तरह फॉर देयर स्ट्रगल। बट शुरू में लोगों को फ्रेंच लोग आर्मीज बहुत अच्छी लगी थी। हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी एक वर्ड यूज हुआ है, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी होता है मतलब कि ये हमारे लिए आजादी के दूत हैं, आजादी लेके आ रहे हैं, ये हमें लिबर्टी सिखा रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला नेपोलियनिक कोड भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, टैक्स बढ़ा दिया गया, कस्टम ड्यूटीज हटाना अलग बात है, बैरियर हटाना, लेकिन टैक्स इंक्रीज कर देना एवरी सिटीजन पे अलग बात है। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू आर्मीज, जबरदस्ती आर्मी में भेजा जा रहा था, सेंसरशिप थी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप कुछ नहीं बोल सकते, बोलोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, दिस इज नोन एज सेंसरशिप। सो बहुत कुछ अच्छा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन में, बट क्योंकि पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिला तो लोगों ने नेपोलियन को भी हेट करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस वर गुड बट दे वर नॉट इन कोऑर्डिनेशन विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे, अच्छे थे, मिले, लोग खुश थे, बट फंडामेंटल राइट्स जो पॉलिटिकल फ्रीडम में होने चाहिए, जो लिबर्टी मिलनी चाहिए, वो नहीं थी, सेंसरशिप होने लगी, टैक्स बढ़ने लगे, ठीक है, जबरदस्ती आर्मी में भेजा जा रहा है, इससे लोग ना खुश थे और वो लोग नेपोलियनिक रूल को भी हेट करने लगे थे। दिस वॉज द होल स्टोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आप लोग 3 पेज पढ़े हैं हमने आज, ओके, द हेडिंग इज फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ अ नेशन। रीड ऑल द 3 पेजेस। If you are having any doubt, कोई word भी समझ में ना आए तो पूछो, कोई sentence समझ में नहीं आ रहा उसे पूछो, write down your notes, we will discuss tomorrow in the doubt class, okay? Have a very good day and study sincerely.